देखा था? अरे कहाँ यार, घर के कामों में इतनी बिजी रहती हो ना, टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। इतना मस्त एपिसोड आया था कल तो। अच्छा, अनूप जलोटा ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। मुझे ना पहले से ही डाउट था, ज्यादा दिन नहीं चलना था इन दोनों का। और क्या, कुछ भी कर जाए। नेहा, मेरी चप्पल दियो यार एक बार। ललित वहीं पड़ी है सोफे के पास। यहाँ ना है, मैंने सब जगह देख ली, यहाँ ना है। ध्यान से देखो, वहीं पे पड़ी है। अरे नहीं है यार, जब सब जगह देख ली मैंने, बता रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं है यहाँ पे, आजा। ललित अगर वहीं मिल गई ना तो फिर देख लेना तुम, और वहीं मिलेगी, देख सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ये क्या है ललित? ओ माय गॉड, ये यहाँ कैसे आ गई? चमत्कार हो गया यार, ये तो चमत्कार हो गया। तुमने ना ललित बिल्कुल हद कर रखी है। इस आदमी ने तो ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ भी काम नहीं करते यार घर का, सारा दिन उस सोफे पे पड़े रहते हैं, वहीं खाना वहीं पीना और वहीं बैठे बैठे महाराज की तरह ऑर्डर चलाते हैं। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, पर तूने मेरी बात मानी ही नहीं। मैंने कब नहीं मानी? याद है जब हम ललित से पहली बार मिले थे, तब तो तू कह रही थी बड़ा हैंडी मैन है, घर के सारे काम कर देगा। यार आज तो बहुत बुरे फंस गए। अरे हमें तो कार का कुछ पता भी नहीं है। देखा, इसी दिन के लिए बोल रही थी कोई बॉयफ्रेंड बना ले, कोई होता तो बुला नहीं लेते उस गधे को। अच्छा, अब कार ठीक करने के लिए मैं बॉयफ्रेंड बना लूं, हैं? ठीक है, मत बना, इधर ही खड़ी रहे रोड पे। अरे यार लड़ मत, देखना कि कोई आ रहा है क्या रोड पे, किसी से हेल्प ले लेते हैं। ओ हाँ, कोई साइकिल पे आ रहा है। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प अस? क्या हो गया मैडम? हमारी कार खराब हो गई है। अरे तो साइकिल चलाया करो ने, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होती है, बुढ़ापे में गोड्डे भी ठीक रहेंगे और कंट्री में पोल्यूशन भी कम होगा, फायदा है फायदा। ओ तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है, अगर हेल्प करनी है तो करो, नहीं तो कट लो यहाँ से। ए चिरमटी सी। अरे यार ऐसे क्यों बोल रही है, जस्ट इग्नोर हर, आप प्लीज कार ठीक कर दोगे? प्यार से बोल रहे हो तो कर देता हूँ मैडम, मैं इसे समझा लो थोड़ा सा। साइकिल मत छेड़ मेरी, छोड़ इसको, साइकिल चोर, शक्ल से भी लगती है। हो गई ठीक, स्टार्ट करके देख ले चल। थैंक यू सो मच, करो एंजॉय लो रंग जिंदगी के। थैंक यू, बाय। क्या देख रही है? तूने बोला था ना बॉयफ्रेंड बना ले, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। ये एक्सेंट देखा है तूने इसका? एक्सेंट में क्या प्रॉब्लम है? कोई हरियाणा साइड का देसी लग रहा है, बात भी कर रहा है ऐसा लग रहा है लठ मार रहा हूँ। लठ मार रहा है? अगर लठ मार रहा था तो हमारी हेल्प क्यों करता? टैलेंटेड देख कितना है, 2 मिनट में कार ठीक कर दी। हैंडी मैन है, पूरी जिंदगी घर के काम करेगा। देख तेरे को वार्न करना मेरा काम था, आगे तेरी मर्जी। पर मैंने तो इसका फोन नंबर भी नहीं लिया। अरे उसमें क्या हुआ, हैपन पे फाइंड कर लेना। हाँ गुड आइडिया, हैपन पे ढूंढती हूँ। कोई चीज नहीं होती दुनिया में। सही कह रही है यार तू, ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। सच्ची, मेरे वाला भी पहले घर का कोई काम नहीं करता था यार। पहले मतलब अब कर देता है? अरे अब तो मैं उसको अपने इशारों पे नचाती हूँ, घर के सारे काम करवाती हूँ मैं उससे। अच्छा कैसे? अरे हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया है, वो ना जादू टोना करके एक लॉकेट बना के देती है, उस लॉकेट को जिसके गले में भी डालो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। यार मुझे भी ये लॉकेट दिलवा देना प्लीज। अरे लॉकेट थोड़ी महंगी है, 5,000 रुपए की है, बट सोच पूरी जिंदगी तेरा पति तेरा गुलाम बन के रहेगा। अरे तू पैसों की टेंशन मत ले, बस तू वो लॉकेट ला दे। ठीक है मैं कल लेके आती हूँ तेरे लिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, पति ने पाव भाजी बनाई होगी घर पे, चल बाय। लकी है, बाय। नेहा मेरा कच्चा तौलिया रख दे बाथरूम में, नहाऊंगा आज। बस मेरी जिंदगी तो ना ये कच्चे तौलिये रखने में निकल जाएगी। ये है वो लॉकेट। Yeah, yeah.
अब आएगा मजा। चले तुम बोल रहे थे ना तुम्हें रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, कुछ चुड़ैल तुमसे लिपट जाती है। हाँ पर आजकल ठीक चल रहा है, नहा धो के आती है, अब तो फ्रेंडशिप सी हो गई उससे। अरे नहीं ये देखो मैं पंडित जी से तुम्हारे लिए लॉकेट लाई हूँ। ये क्या है? इसको पहनने से तुम पे कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा। अच्छा? हाँ और रात को एकदम अच्छी नींद आएगी। गोलमाल है भाई, नींद की तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अब देखना तुम्हें क्या कमाल की नींद आएगी। कैसा महसूस कर रहे हो? पता नहीं यार एक एनर्जी सी आ गई हाथों में अपने आप। देखा? अच्छा चलो मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, मेरे को जाना है। रुको पहले किचन में जाके बर्तन साफ करो। हाँ हाँ बर्तन ही तो साफ करने जा रहा हूँ, मैं तो किडिंग कर रहा था, सारे बर्तन साफ कर दूंगा आज। ललित जब ये बर्तन हो जाए ना तो एक कप चाय और ले आना मेरे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बिस्कुट भी लाऊं क्या, कुछ ब्रेड वगैरह? जितना बोले ना उतना ही करो जल्दी। ये लो बेबी चाय। अरे वाह बहुत फास्ट सर्विस है तुम्हारी तो। अच्छा मैं जिम जाके आता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ। अरे रुको तुम्हारी कसरत मैं यही करा देती हूँ। कैसे? चलो मेरे पैर दबाओ। बन रहे है ना मसल? हाँ बेबी ये तो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? बस ऐसे ही रोज एक घंटा करा करो, फिट भी तो रहना है। थैंक यू। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ललित ये मेरा सूट प्रेस कर दो, शाम को बर्थडे पार्टी में पहनना है। ओह शिट आज तो इसका बर्थडे है, मैं कोई गिफ्ट भी नहीं लाया, फंस गए भाई साहब। अरे हाँ इस पे सोने का पानी फिरवा देता हूँ और इसमें एक सोने की चैन डाल के इसी को दे देता हूँ, ये सही रहेगा, मस्त आइडिया। चलो ललित कहाँ रह गए थे तुम? बस तुम्हारे लिए थोड़ी फ्रूट सलाद लाने गया था। अब जल्दी झाड़ू पोछा कर दो, गेस्ट आने वाले हैं। तुम्हारा बर्थडे है ना आज, एक गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा तो दो। आंखें बंद करो सरप्राइज है। खोलो आंखें। वाह इट्स सो ब्यूटीफुल। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है हाथों में कुछ एनर्जी सी आ रही है।